आज कोमल की रसोई में एक ऐसी रेसिपी बनने वाली है जो कि बचे हुए सामान से है। ये बेसन की बर्फी नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता दूं। इसमें ना मैंने कोई मावा, कोई चाशनी, कोई कंडेंस मिल्क, कोई मिल्क पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं करा है और सिर्फ सिंपल और इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास ब्रेड की साइड्स बची हुई हैं। ये कैसे बची हुई है मैं आपको बता दूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक रेसिपी की वीडियो अपलोड करी थी, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये मेरा शुगर सिरप है, चाशनी नहीं है, शुगर सिरप है। ये मेरी स्लरी है जो मैंने अपनी मिठाई के अंदर फिल करी थी। और इसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं और ये मेरा येलो कलर है। तो मुझे एक आइडिया आया है जो कि इस रेसिपी से रिलेटेड है। ये रेसिपी मैंने बनाई थी, उसके बाद ये मेरे सारी चीज़ें बच गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे एक नई तरह की मिठाई बनाई जाए और इनका रीयूज़ करा जाए। देखिए, इतनी महंगाई में ये सब चीज़ें फेंकना तो पॉसिबल ही नहीं है, मन ही नहीं करा इनको फेंकने का। तो फ्रिज में रख दी थी मैंने और इनको मैंने देख ली मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ चुकी हैं। इस तरह से आपको इसका रीयूज़ करना है। और एक मिक्सिंग बॉल लेना है, मिक्सिंग बॉल में हम अपना सारा पाउडर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इसके अंदर शुगर सिरप का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको देखूँगी कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। ये जो स्लरी है, इस स्लरी को हम इसके अंदर डालेंगे। सारी स्लरी हमें इसके अंदर डालनी है और इस स्लरी को जानने के लिए आपको पिछले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे आप क्लिक कीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और इस स्लरी में मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ करा है। 2 चम्मच मलाई है, 4 चम्मच मिल्क पाउडर है और 4 चम्मच ही डेसिकेटेड कोकोनट है। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके और फिर जब ये गाढ़ा हो गया था तो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मिल्क मिला दिया था। उसके बाद मैंने स्लरी यूज़ करी थी अपनी मिठाई को फिल करने के लिए और ये स्लरी बच गई थी तो मैंने इसका रीयूज़ कर लिया है। ये शुगर सिरप है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया। 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से नाप के मैंने यहाँ पे पानी लिया था, पूरा 1 कटोरी। उसके बाद इसको मैंने सिर्फ चीनी घुलने तक पकाया है, कुक करा है। उसके बाद में मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है येल्लो कलर का। अब ये शुगर सिरप भी मैंने जितना यूज़ हुआ हो गया, उसके बाद में बच गया था तो इसको मैंने इसके अंदर रीयूज़ कर लिया है। और पहले मैंने इसके अंदर 3 चम्मच शुगर सिरप डाला था लेकिन ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच शुगर सिरप और यूज़ करा है। इसके बाद मैं इसके अंदर सारा फूड कलर डाल दूँगी। देखिए, स्पून से नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, स्पून को इसके अंदर छोड़ के और एक छोटा सा पार्ट इसके कटोरी के अंदर डाल के उसको अच्छे से क्लीन करके लपेटते हुए सारा का सारा फूड कलर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब हम फूड कलर मिलने तक पहले इसको मिक्स करेंगे और जैसे जैसे फूड कलर मिलता जाएगा ऐसे ऐसे हमारी मिठाई चिकनी होती जाएगी। जैसे आप उंगलियों की मदद से आटा गूंथते हैं रोटियों का, ऐसे हम जब तक इसका डो ना बन जाए तब तक हमें इसको गूंथते रहना है, यानी कि जब तक ये अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए तब तक आपको इसको गूंथना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली ऐसी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, यहाँ पे ये आटा सा बन के रेडी हो चुका है, आपस में कंबाइंड हो चुका है। इसके बाद हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। आप जिस शेप का चाहो ले सकते हो, मैंने यहाँ पे गोल शेप का कंटेनर लिया है, आप चाहो तो स्क्वायर शेप का भी कंटेनर ले सकते हो। और चम्मच की मदद से इसकी सतह को चिकना करते हुए हम इसको प्लेन करेंगे। और आपको यहाँ पे कोई भी घी और कोई बटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना चिकना है कि इसको कोई घी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये शुगर सिरप बच गया है तो आप इसको बच्चों के दूध में मिला के पिला सकते हो, गर्म दूध में, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि ये ऐसे ही चीनी में पानी में चीनी घोल के नहीं लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद आप देखोगे
कि हमारी मिठाई यहाँ पे सेट हो चुकी है। मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट रखा था फ्रिज में और 10 मिनट में हमारी मिठाई यहाँ से अच्छे से सेट हो गई है। और देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा टैप करा है, हल्का सा टैप करके हमारी मिठाई कितनी बढ़िया से निकल के आई है, एकदम गोल और राउंड शेप में, कहीं से भी स्क्रैच नहीं है इसमें, कहीं से भी टूटी बिखरी हुई नहीं है और अच्छे से ये बाइंड हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट बच गई थी, इससे मैंने इस रेसिपी को, इस स्वीट को डेकोरेट कर दिया है और देखने में ये इतनी बढ़िया, इतनी फैंटास्टिक लग रही है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ चुका है। और आपको भी इसी तरह से बनानी है, छोटे बड़े पीसेस में आप इसको कट कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो। अगर आपका मन नहीं है ड्राई फ्रूट्स लगाने का तो इट्स ओके, आप मत लगाइएगा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। बाकी आप इसको चांदी के वर्क से, ड्राई फ्रूट से और जैसे मन चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास बचा हुआ था इसलिए मैंने लगा दिया है। तो आपको भी अगर इसी तरह की रेसिपीज चाहिए, तो चैनल पर नए आए हो और चैनल को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है आपकी। आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपको नहीं पता कि वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा समय लगता है और इतनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, पहले शूट करना पड़ता है फिर इसको एडिटिंग करनी पड़ती है उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और इंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। बाय, टाटा, सी यू सून फॉर नेक्स्ट वीडियो।